स्वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। आइए आज हम आपको सुशासन बाबू के सुशासन राज से रूबरू कराते हैं। बिहार में सरकार के खिलाफ अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम किया तो सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, यहाँ तक कि ठेका तक आपको नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरों के साथ। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया या सड़क जाम किया गया तो फिर आप न सरकारी नौकरी लेने लायक रहेंगे और न ही आपको ठेकेदारी मिलने वाली है। बिहार सरकार ने ये नया फरमान जारी किया है। नीतीश सरकार ने ये तय किया है कि बिहार में नौकरी या ठेकेदारी उसी को मिलेगी जिसका चरित्र प्रमाण पत्र जारी होगा। सरकार के खिलाफ जिसने भी विरोध प्रदर्शन किया है अगर उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होगी तो उसे सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, उसे ठेकेदारी तक नहीं मिलने वाली है। बिहार के DGP ने आज चरित्र का सर्टिफिकेट जारी करने का लंबा दिशा निर्देश जारी किया है। बात करते हैं रुपेश हत्याकांड की। मर्डर करने के बाद चारों अपराधी सुरगना मोड़ भागे, फिर ऋतुराज ऑटो पकड़कर घर पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या मामले में पर्दाफाश करने का दावा किया जा रहा है। पटना SSP ने बताया कि अपराधी ने रुपेश सिंह की हत्या के लिए 4 बार प्रयास किया। 12 जनवरी की शाम घटना को अंजाम देकर चारों अपराधी दानापुर पहुंचे। पटना SSP ने बताया कि अपराधियों ने रुपेश सिंह की हत्या के लिए 4 बार प्रयास किए। 12 जनवरी की शाम घटना को अंजाम देकर चारों अपराधी दानापुर पहुंचे। सुरगना मोड़ पर सभी चारों अपराधी पहुंचने के बाद एक अपराधी वहां से उतर गया। रुपेश के परिवार को नहीं पच रहा है पुलिस की यह बात। रोड रेज तो रोज होता है, मामूली सी बात पर कोई किसी का मर्डर क्यों करे। जाहिर सी बात है कि रोड रेज के लिए कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा। राजधानी पटना में चर्चित रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस ने खुलासा कर तो दिया है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के पीछे रोड रेज का मामला बताया जा रहा है। सीएम तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा बैठक शुरू। आगामी बजट को लेकर हो रही चर्चा। बिहार वित्तीय बजट 2021-22 के बजट निर्माण को लेकर आज बिहार के वित्त मंत्री सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बिहार सरकार के पास 26,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं। हाईकोर्ट ने महालेखाकार और सरकार को दिया तलब। सरकार की तरफ से खर्च किए गए 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। अलग अलग विभागों की तरफ से खर्च की गई 26,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए महालेखपाल और राज्य सरकार को एक साथ तलब किया है। कोरोना वैक्सीन लेने में स्वास्थ्य कर्मियों की दिलचस्पी नहीं। पटना में 40% ने अब तक टीका नहीं लगवाया। देश भर में कोरोना वैक्सीन का नाम जारी कर दिया गया है। पहले चरण के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन पटना जिले में टीकाकरण अभियान की स्थिति बता रही है कि स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना वैक्सीन लेने में दिलचस्पी नहीं है। जिले के कोरोना टीकाकरण के लिए जो लक्ष्य तय किया गया था वह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लगभग 40% स्वास्थ्य कर्मी टीका नहीं लगवाए हैं। संविदा कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, राज्य सरकार का फरमान। राज्य में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह अब संविदा नियोजित कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब ग्रामीण विकास विभाग बिहार रूरल डेवलपमेंट एसोसिएट ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।
कोरोना काल में मिसाल बनी यह शादी। थाने में हुआ मंडप और मंगल फेरे। पुलिस थाने में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया, जहां मंगलवार को जोड़े में पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा लिया। की बुकिंग कर सातिर ने उड़ा लिए कार। पटना से नवादा के लिए की गई थी बुकिंग। ओला ट्रेवल ऐप के जरिए गाड़ी की बुकिंग कर उसे ले उड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एक सातिर अपराधी ने पटना से नवादा जाने के लिए ओला ऐप के जरिए गाड़ी बुकिंग की थी और ड्राइवर के हाथ पैर बांध कर स्विफ्ट डिजायर कार ले उड़ा। जफरपुर थाने में लगी आग, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। धू धू कर जला थाना। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले में से यह सामने निकल कर आ रही है वारदात, जहां पुलिस थाने में आग लग गई है। पुलिस स्टेशन में आग लग जाने से काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में कोशिश में जुटे हुए हैं। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन इस्टू 50 रुपए, मटन इस्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।